क्या? तो आज हम बात करने वाले हैं राम सेतु के ऊपर कि आखिर जो हमारा राम सेतु था, जो कि ब्रिज हमारे राम जी ने बनाया था, वो कैसे आज तक भी वहाँ पे है, उसके पीछे की क्या साइंस है, क्या वो कोई देवी चमत्कार के कारण वहाँ पे है, वो सब आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके पीछे की साइंस जानते हैं। तो देखिए, अगर आप राम सेतु को देखेंगे, जो कि आज भी है और हमेशा वो सैटेलाइट से भी दिखाई देता है, आप यहाँ पे वो फोटो देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि वो सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? आपने सुना होगा कि जो वो लोग थे, उन्होंने वो पत्थर लिए तो किसी ने राम लिखा, वो ऊपर फेंके तो वो तैरना शुरू हो गए। तो कोई बोलता था कि उन्होंने ऐसे पत्थर निकाले जो कि पहले से तैरते थे, वो उस पर रखे तो वो तैरना शुरू कर दिया और उन्होंने उसमें चल के जो है वो पार कर लिया। तो देखिए, सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ सही में नहीं हो सकती। तो मैं मानता हूँ कि पत्थर पानी के ऊपर तैरते हैं, आप सभी को पता होगा, मुझे पता है और कई लोगों को पता है कि ऐसे पत्थर होते हैं जो कि तैरते हैं, क्योंकि उनमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं जो कि पोरस स्टोन जिनको कहा जाता है, जो कि अगर आप फेंकोगे तो एयर उनके आर पार चली जाती है, वो आराम से फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। तो ऐसे पत्थर तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन पत्थर के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये पत्थर वेट नहीं उठा सकते। आप सभी को ये पता होगा, अगर आप 10 पत्थर भी फेंकेंगे उसके ऊपर वो तैरेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो वजन नहीं झेल सकते। आप जैसे उसे पैर रखेंगे वो डूब जाएगा। तो चीज़ तो ये सही है, लेकिन ये पूरी सही नहीं है। तो वो राम सेतु कैसे बना था, उसके पीछे क्या साइंस थी? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने वो पत्थर के लिए मान लेते हैं कि वो वजन उठाने के लिए आपने किसी तरह तैयार कर लिए, मान लेते हैं, और थोड़ नहीं सकता, मान लेते हैं, अगर आपने उसको वजन उठाने के लिए तैयार भी कर लिया, तो क्वेश्चन ये है इतने बड़े समुद्र में आप उसको बांध के कैसे रखेंगे? क्वेश्चन है ये, कभी आपने सोचा उन पत्थर को बांध के कैसे? क्योंकि समुद्र की लहरें ऐसे तो नहीं है कि वो चुपचाप शांत रह के समुद्र पड़ा रहता है, उसकी लहरें हमेशा चली रहती हैं, चलती लहर में आप उसको कैसे बांधेंगे? तो इतनी मेहनत करने के, आपको लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की होगी? जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो जो राम सेतु है नॉर्मल स्टोन्स के साथ बना हुआ है। उन्होंने क्या किया, स्टोन्स को जैसे डैम के लिए स्टोन्स को इकट्ठा करके एक 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 दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं ना, उन्होंने कुछ वैसे ही बड़े बड़े स्टोन्स को नीचे फेंका, उसकी एक फाउंडेशन से तैयार की, उसके ऊपर छोटे, उसके ऊपर छोटे, उसके ऊपर छोटे करते गए, ऐसे ऐसे उन्होंने एक विशाल ब्रिज बना लिया। क्योंकि आप सभी को पता होगा उनके पास इतने इतने बड़े बड़े विशालकाय मशीनरी थी, हथियार थे, उसको ले जाने के लिए उसको एक ऐसा ब्रिज चाहिए था जो कि उनका वजन उठा सके, और इसीलिए उन्होंने इस टाइप से वहाँ पे ब्रिज बनाया। तो उनके जो उस टाइम के इंजीनियर थे, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया था कि वो आज तक भी वहाँ पे है। और अगर आप अब जाके वहाँ पर देखेंगे तो आपको यह यकीन हो जाएगा कि वहाँ पर कोई तैरने वाले पत्थर नहीं है, वहाँ पर वो पत्थर है जो कि अंदर डूबे हुए हैं और वो आज भी हैं। तो यही वो साइंस थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि वो पत्थर कैसे काम करते थे। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ जानकारी मिली होगी, जानकारी मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको मेरी शक्ल कुछ ज़्यादा पसंद आ गई हो तो किसी और को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।